उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे, लेकिन आजम खान ने मिलने से इनकार ही कर दिया। अजय राय गुरुवार को आजम खान से जेल में मिलने वाले थे, लेकिन जब अजय राय सीतापुर जेल पहुंचे तो प्रशासन की तरफ से उन्हें बताया गया कि आजम खान उनसे मिलना नहीं चाहते, जिसके बाद अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया है, इसीलिए मिलने नहीं दे रहे। अजय राय ने यह भी कहा कि उनकी परिवार से बात हुई थी, आजम मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। दबाव में है प्रशासन, ने दबाव में ये झूठ बोला हम लोगों से कि ये खान साहब नहीं मिलना चाहते, ये ऐसी बात नहीं है। पूरी हम लोगों के जो उनके परिवार लोगों से बात हुई थी, उनके बात के अनुसार हम लोग आए थे और वो मिलना चाहते हैं। ये सरकार के दबाव में प्रशासन, जेल प्रशासन हम लोगों को नहीं मिलवा रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं अपनी और अखिलेश यादव जी की राजनीतिक तल्खी जो इधर पैदा हुई है उसको कम करने के लिए आपने आज ये पहल की। आज हम लोग उनसे देखिए, ये दुख की घड़ी है, आज वो परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, पत्नी बच्चे सब परेशान है, सबको ये भाजपा की सरकार ने परेशान कर रखा है। हम सब लोग आज यहाँ मिलने आए, सरकार के दबाव में जेल प्रशासन हम लोगों को नहीं मिलने दिया, पर हम सब लोग एक लव ऑफ टोकन, एक सेब का एक पूरा का पूरा एक डब्बा सेब लेकर आए थे, जो अपना प्यार था वो हम लोगों ने उनको भिजवा दिया। हमने कहा ये हम लोग की तरफ से उनको एक प्यारा सा जो है, एक हम लोग की तरफ से जो परिवार का है उसको ले आकर टोकन ऑफ लव उनको ले आकर दे। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, हम अपने स्टैंड पे कायम है, हम लोग आज मिलने आए हैं, उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े। क्या ये इंडिया गठबंधन के जो तल्खी पैदा होती है उसमें मरहम लगाने के लिए आप ये, हम सब लोग एक दुख की घड़ी में उनके परिवार उनके साथ हम लोग खड़े। कांग्रेस जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हैं अखिलेश यादव जी, हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी ने कभी उनके ऊपर कोई कमेंट पर क्या कभी कोई मुकदमा नहीं लगाया, कभी कोई नहीं। मैंने बोल दिया कि कभी भी कोई भी कांग्रेस पार्टी के समय में कभी भी कोई भी प्रताड़ना की कार्रवाई आजम खान साहब के ऊपर कभी नहीं। आगे क्या कांग्रेस उसे लेकर करने जा रही है? बिल्कुल हम आगे फर्दर अभी करेंगे, हम इनके परिवार के साथ, इनके साथ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। दरअसल बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पूरा आजम परिवार ही जेल में है। साल 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी उम्र ज्यादा दिखाई थी। आरोप था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। इस मामले में कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी पाया था। सभी को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाई जाने के बाद आजम को सीतापुर जेल भेज दिया गया था। उनकी सजा को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी आजम खान के परिवार को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ऐलान किया कि आजम परिवार मुश्किल में है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हमारा फर्ज बनता है कि हम आजम खान के साथ खड़े रहें, लेकिन जब वो जेल पहुंचे तो आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अजय राय से न मिलने की टेक्निकल वजह भी बताई जा रही है। दरअसल जेल मैनुअल के अनुसार आजम खान हफ्ते में 2 दिन ही मुलाकात कर सकते हैं। बुधवार को वो अपने बेटे से मिल चुके हैं, ऐसे में एक और मुलाकात ही बाकी है, लिहाजा वो भी परिवार के लिए सुरक्षित है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुलाकात न होना एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है।